हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिल्फीज किचन। आज की जो रेसिपी है वो बच्चों को इतना पसंद आने वाली है कि बच्चे बाजार से जो कुरकुरे खाते हैं वो बाजार से लाना बंद कर देंगे, क्योंकि हम घर पर जिस तरीके से बना रहे हैं और एकदम अलग हट के एकदम यूनिक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए प्लीज़। हाँ, एक बात और, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि जब तक आप पूरा एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ कैसे आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बनाएंगे पास्ता से। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, मैंने इस शेप का पास्ता लिया है। चलिए सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं। देखिए, गैस पर मैंने बर्तन रख लिया है। बर्तन में मैंने 2 ग्लास के समथिंग पानी डाल दिया है। पानी पर उबाल आने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता। पास्ता को बॉईल होने देते हैं। देखिए, पास्ता हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इस गरम गरम पास्ता को एकदम चिल वाटर में डाल देंगे। इससे क्या, पास्ता हमारा चिपकता नहीं है। अब हम इसको ठंड चिल वाटर में डालने के बाद इसको तुरंत निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडे पानी में से निकाल कर एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे, जिससे एक्स्ट्रा पानी इसमें जो भी होगा वो निकल जाएगा। देखिए, हमारा पास्ता बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम अलग अलग हुआ है। हम यहाँ पास्ता की रेसिपी नहीं बना रहे हैं, आप बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। पास्ता को हमने बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे जिससे कॉर्नफ्लावर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए, कॉर्नफ्लावर अच्छे से कोट होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ इसको ग्रेट कर रही हूँ। एकदम मार्केट जैसा ये हम नाम देंगे इसको तुरतुरे। ये हम बना रहे हैं तुरतुरे। दो मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कहीं भी पास्ता पे कोटिंग होने से रह गई है तो वो अच्छे से हो जाएगी। जब तक हम गैस पर पैन रख लेते हैं। देखिए, गैस पर हमने पैन रख लिया है। पैन में हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। और पास्ता को भी 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस तरीके से एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। आप हाथ का यूज करना चाहें तो हाथ का यूज कीजिए, नहीं तो आप किसी भी स्पून से आप डाल सकते हैं। मुझे हाथ से डालने में ज्यादा अच्छा लग
इस तरह से हम पास्ता को डालते जाएंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, हमें फुल फ्लेम पर नहीं रखना है, लेकिन स्टार्टिंग में ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में जरा भी हमें अपने स्पैचुला को नहीं छुलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब हम इनको हिला लेते हैं, देखिए एकदम अलग अलग और डार्क ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। देखिए तुरतुरे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हम इनको नैपकिन पेपर के ऊपर निकालेंगे, मैंने यहाँ नैपकिन पेपर बिछा लिया है, अगर इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होएगा वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी आवाज आई। अब हम दूसरी बारी के भी डाल लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो स्टार्टिंग में, फिर गैस को हम मीडियम कर देंगे और पास्ता के ऊपर कोटिंग भी अच्छे से हुई हो और एक साथ बहुत सारे नहीं डालने हैं, एक एक करके आराम से हमें इस तरीके से डालने हैं। देखिए तुरतुरे हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। हाँ, तुरतुरे निकालने से पहले आपको नैपकिन पेपर का जरूर यूज करना होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो नैपकिन पेपर पर निकल जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, आप जो भी स्पाइसेस में डालना चाहें डाल सकते हैं, मैं इसमें केवल चाट मसाला का यूज कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, आप इनकी आवाज खन खन आवाज सुन सकते हैं, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। गरम होएंगे तो ये ठंडे रहेंगे, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, इतने टेस्टी बने हैं। आपने एक बार ये घर पर बना लिए ना, आपके बच्चे कभी बाहर से कुरकुरे खरीद कर नहीं लाएंगे। देखिए मैंने एकदम से नई रेसिपी बना दी ना, इसका नाम है तुरतुरे, कुरकुरे का भाई तुरतुरे। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, अगर आपने ये एक बार बना लिए तो आपके घर में बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, आप एक बार बनाकर इसको खाकर और लोगों को सर्व करके जरूर देखिए। कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर बनाए हैं। मैंने इसका नाम तुरतुरे दिया है, आप क्या नाम देना चाहेंगे आप ये भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप मुझसे कौन सी रेसिपी या कौन सी डिश जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।